नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर सतबरवा से है, जहां सतबरवा प्रखंड बारी पंचायत सचिवालय में बारी मुखिया निरुतमा देवी के द्वारा ध्वजारोहण तिरंगा फहराया गया, जहां पर मुख्य निरुतमा देवी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ध्वजारोहण तिरंगा हमारे देश का शान है। इस ध्वजारोहण तिरंगा के मान सम्मान देते हुए हमारे वीर जवानों ने जो कुर्बानियां दी है, शहीद हुए, मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। उस दरमियान मुखिया निरुतमा देवी ने मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। इस दौरान मुखिया निरुतमा देवी ने कहा कि ध्वजारोहण तिरंगा पूरे विधि पूर्वक फहराना चाहिए और सही तरीके से ध्वजारोहण तिरंगे को सम्मान करना चाहिए। जहां पर ध्वजारोहण तिरंगा फहराते समय बारी मुखिया निरुतमा देवी, उप मुखिया मुंदेरी देवी, पंचायत समिति जुबैर खान, पंचायत सेवक सुरेश ठाकुर, सुरेश चौधरी के साथ बारी पंचायत के गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित हुए। वहीं दूसरी ओर सदर प्रखंड के लहलहे पंचायत सचिवालय में पंचायत मुखिया पूनम यादव के नेतृत्व में ध्वजारोहण तिरंगा को सलामी देते हुए फहराया गया, जहां पर मुखिया पूनम यादव, मुखिया पति संजय यादव, उप मुखिया पंचदेव साहू व लहलहे के गणमान्य लोग मौके पर शामिल हुए। वहीं सदर प्रखंड के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, मेदिनी राय शिक्षा निकेतन, इंडियन पब्लिक स्कूल व श्री सर्वेश्वरी मंगलम विद्या मंदिर में भी ध्वजारोहण तिरंगा फहराया गया। 74th रिपब्लिक डे, मैं इस समारोह गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के तरफ से प्रखंड वासियों और हमारे साथ मौजूद विद्यार्थियों और आए हुए गार्जियन पेरेंट्स और हमारे साथ सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस देश के लिए कुछ कर्म जाने के लिए ख्वाहिश रखिए और इस देश को रक्षा करने के लिए आप आगे आए और इसके लिए आपको समय देना होगा, क्योंकि आपकी जो स्टडी चल रही है इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिकॉज दैट स्टडी ऑल्सो द मेक योर फ्यूचर फॉर टेकिंग द नेक्स्ट प्रोग्राम इन योर फ्यूचर। What are the program? What are the you have to do in the for future? Now you have to do yourself by giving the more labor and more labor. So मैं अंत में यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से और प्रखंड वासियों से इस 74वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर कि आप अपने समय का प्रयोग करें, यूज करें, कहीं भी गलत समय का इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारा और आपका फ्यूचर बर्बाद हो सके। थैंक यू, दैट्स ऑल। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों के हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ कि हम लोग के बीच से कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है, इसलिए सभी लोग से आग्रह करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाए और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। यही कहकर अपने बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल हैप्पी बर्थडे एंड सरस्वती पूजा। यह एक बहुत ही बड़ा अवसर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन लिखाने वाले दोनों का कलेजन हो गया है, यानी कि आज सरस्वती पूजा भी है और सरस्वती पूजा के आशीर्वाद से ही जो संविधान सभा का गठन हुआ था हम लोगों ने अपना प्रयास करके लिखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे किस स्तर पर चले जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा पाए, कि सुधार क्या जरूरत है यह प्रयास करें, तो उसके लिए उनको पढ़ना होगा और इतना पढ़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा पाए। बस धन्यवाद। और यहाँ पर हर साल लोग कोई शहीद जो पत्रों नहीं सुनते हैं कि जनता ने लड़ाई कर दिया, झगड़ा कर दिया, इसलिए नहीं तो सर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सबको, सभी देशवासियों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अपने विद्यालय परिषद मेदिनी राय शिक्षा निकेतन कोलपुर की ओर से मैं पूरे देशवासियों और आसपास के क्षेत्रों को, सभी लोगों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलाई, लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली, हमें
रिपब्लिक डे के तौर पे हमें एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन मिली, तो मैं उनको सत सत नमन और शहादत देना चाहता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ कि जिस तरह से आज हम स्वतंत्र हैं, उसी तरह से हमारा देश, हमारे क्षेत्र, हमारे पड़ोसी स्वतंत्र रहे, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं हमारे सामने खड़ी हो पाए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने विद्यालय परिषद की ओर से, और आप सभी को, आप सभी चैनल को जो हमारे बीच जो हमें आज आप मौका दिया अपने बात को शेयर करने का, तो मैं दिल से स्वागत और आपका नमन करता हूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से हमारे विद्यालय परिषद की ओर से जिस तरह से हम आज बधाई के पात्र हैं, उसी तरह से हमारा देश और हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं वे सब खुशहाल रहे और वे सब भी अपने देश के लिए तत्पर आगे रहे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, और तो बहुत सारा है लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूँगा, और जो भी है आप पूछ सकते हैं मेरे से। आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के और से मतलब आज के 26 जनवरी भी और गणतंत्र दिवस भी, सॉरी बसंत पंचमी में भी, बसंत पंचमी भी है, और हम लोग सब मिलकर यहाँ पे इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और हम लोग सब मिलकर बहुत कोशिश किए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से हो, और आगे भी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसी तरह से प्रोग्राम को करें और सबको मतलब ये चीज़ अच्छा। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के 74वें दिवस को सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। इसी दिन आज संयोग से सरस्वती पूजा भी हुआ, इसकी भी शुभकामनाएँ हैं बच्चों के लिए, खास करके मन लगा के पढ़ें क्योंकि बच्चे ही हमारे भारत के उज्ज्वल भविष्य हैं, यहीं से हमारा भारत जो है आगे बढ़ेगा। अगर ये मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, तभी तो हमारा आगे बढ़ेगा। और गणतंत्र दिवस का तो जो हमने अपने सचिवालय में झंडोत्तोलन किया, बहुत से पंचायत के लोग वहाँ उपस्थित रहे, तो मुझे इसका भी हर्षोल्लास लगा कि चलो जागरूक हैं हमारे पंचायत के लोग, वहाँ समय दिया उन्होंने, इसके लिए लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी कि अपने पंचायत में इसी तरह से हर प्रत्येक वर्ष सतबरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।